पूरी कहानी बताएं, किस तरह यानी कि बंदे को टॉप लगाते हैं आप लोग? अभी जो गाड़ी है ना जी, वो आपको कराची है तो कराची से इस्लामाबाद लानी पड़ेगी, फिर नाम होगी। ये गाड़ी जो महंगी हुई है पिछले तकरीबन एक दो सालों से महंगी हुई है, इसके कुछ सस्ते होने के चांस है? आए दिन नए रूल निकल रहे हैं, नए टैक्सेस लग रहे हैं आए दिन, तो उससे भी जो है ना कस्टमर बहुत घबराए हुए हैं। गाड़ी नाम करवाते हुए खर्चा कितना होता है? यासीन भाई कहाँ से आए हैं? मैं फतेहजंग से। फतेहजंग से क्यों आए हैं? यहाँ पे मैं गाड़ी सेल परचेस का काम कर रहा हूँ ना। आप यानी कि गाड़ी पहले खरीदते हो? फिर यहाँ लेके आता हूँ ना इतवार बाजार इस्लामाबाद से, लाहौर से, यहाँ से मैं लेके आता हूँ ना खरीद के। कितने टाइम से ये कारोबार करते हैं? तकरीबन 12 साल हो गया। 12 साल में आपने क्या देखा है कि अभी गाड़ियाँ सस्ती हैं कि महंगी हैं? अभी गाड़ियाँ ना सस्ता हुआ है ना महंगा हुआ है ना मार्केट में, लेकिन सेल परचेस का काम जो है ना वो रुका हुआ है। लेकिन इसमें यह भी कहा जाता है ना कि जो सेल परचेस वाले काम करने वाले लोग होते हैं वो टॉप लगाते हैं, ठीक है, इसमें कितनी सदाकत है और क्या होता है ये जरा पूरी कहानी बताएं, किस तरह यानी कि बंदे को टॉप लगाते हैं आप लोग? किस तरह टॉप मतलब? यानी कि मालक को कुछ और रेट बताते हैं और परचेस कुछ और रेट से करते हैं, 10-20-50 हज़ार 1 लाख का टॉप होता है जिसको टॉप बोलते हैं, वो क्या? वो टॉप है लेकिन वो हम बंद नहीं कर सकते है ना, क्योंकि हम हर बंद को आजकल जो है ना रेट मालूम है, नेट का सिस्टम है ना, पाक वेले ओले कैसे ना, इस पर सब लोगों को मोबाइल में जिम में है ना रेटे, तो सब लोगों को मालूम है। ये टॉप कोई भी नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं तो 10-20 हज़ार रुपये लगा सकते हैं ना, वो तो साफ बात है ना, लेकिन वो कोई लोग वो करते हैं ना जो रोड पे घूमते फिरते हैं ना। तो ये गाड़ी जो महंगी हुई है पिछले तकरीबन एक दो सालों से महंगी हुई है, इसके कुछ सस्ते होने के चांस हैं? सस्ता होने का चांस तो मुश्किल है, अगर डॉलर नीचे आ जाए ना, वही पुराना रेट 150 रुपये पे आ जाए ना तो सस्ता हो जाएगा। अभी डॉलर नीचे आया ना, गाड़ियाँ सस्ती नहीं हुई? नहीं, वो तो 1 लाख से लेकर 13 लाख तक वो जिस तरह रही, वो फॉर्चूनर जो है ना वही सस्ता हो गया ना नया गाड़ी, 1 लाख रुपए के साथ क्या फर्क पड़ जाता है ना, पुरानी गाड़ी कोई सस्ता नहीं? नहीं कोई सस्ता नहीं, जिन्होंने महंगी ली है वो सस्ती नहीं सेल करेगा, दे रहा है ना बहुत सस्ता, कोई भी नहीं दे रहा है ना। वैसे सस्ती होने के लिए क्या करना चाहिए? सस्ता होने के लिए तो कुछ भी नहीं हो सकते है ना, क्योंकि डॉलर का मसला डॉलर के और हुक्मरानों का है ना, हमारा तो मसला नहीं है ना, हम तो महंगा लेते हैं महंगा बेच देते हैं ना, इधर 1,50,000 रुपए जो है ना मजदूरी निकाल देते हैं ना, और तो कुछ भी नहीं है। अभी तो जो पहले बिक रही थी ना जी गाड़ी, अभी तो वो भी बिकनी बंद हो गई है, इसलिए बिकनी बंद हो गई है कि वो मैट्रिक वाला इस्लामाबाद वाला भी मसला बन गया, अभी जो गाड़ी कराची है उसको उधर लाना पड़ेगा तो फिर उसकी मैट्रिक बनेगी तो फिर जो है वो गाड़ी नाम होगी, अभी तो बिल्कुल ही बिकनी बंद हो गई है। लाहौर वालों का भी ऐसा ही मामला है, अभी तो बिल्कुल शोरूम के ऊपर काम है ही नहीं है, किधर भी काम नहीं है, बिल्कुल सब लोगों की गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये तो हमें पता है, लेकिन इसका सलूशन क्या है? देखिए जी, अभी आसानी करें कि हर आदमी आसानी से अपनी गाड़ी नाम करा सके तो बिकने बिल्कुल शुरू हो जाएगी। अभी तो जो पुरानी गाड़ी थी वो तो बहुत ही महंगी हुई है, अभी तो नई उन्होंने काम किया, लेकिन इस वजह से बिल्कुल ही नहीं बिक रही अभी, जो नाम वाला जो मसला बन गया है। आप कुछ कहना चाहते हैं? इस तरह जी के मुल्की मीशत कमज़ोर है, आम बंदे का गुजारा नहीं हो रहा और घर के अखराजात इतने ज़्यादा हैं, बच्चों की फीसें वगैरह, तो उसमें लोग गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरा पेट्रोल बहुत महंगा है, तो पेट्रोल महंगा होने की वजह से भी ना मतलब गाड़ियों की रनिंग बहुत कम है, उस वजह से भी गाड़ियों पे असर पड़ रहा है और मार्केट में गाहक नहीं है बिल्कुल। इसका सलूशन क्या है, इसका हल क्या है? इसका हल, जब तक मईशत मजबूत नहीं होगी, आम बंदे के पास पैसा नहीं होगा तो कारोबार नहीं होगा। आम बंदे के पास पैसा कैसे आएगा? देखिए, लोगों ने अभी प्रॉपर्टियां लेकर और अपना हाउसिंग सोसाइटियों में प्लाट लेकर लोग बाउंड बैठे हुए हैं, तो मखसूस लोग हैं जिनके पास पैसा है, तो उनकी मर्ज़ी जब होगी तो वो मार्केट में निकलेंगे, परचेज करेंगे, फिर जब तक उन्होंने मार्केट को उठाना है और गिराना है, असल बात जो ये है। हमारा तो जो है ना जी शोरूम है अल्लाह नूर के नाम से, तो इधर जो है जो भी गाड़ी अभी बेचने जो हम कर रहे हैं भाई गाड़ी बेचे तो वो यही बोलता है कि नाम वाला बहुत बड़ा मसला है जी, नाम का जो मसला बना हुआ है, बायोमेट्रिक नहीं मिल रही, ये बहुत बड़ा मसला है, अभी तो गाड़ी बिल्कुल बिक ही नहीं रही है, अभी हम तो बोलते हैं यार जी शोरूम पे काम ही नहीं है बिल्कुल। 6-6 महीने से लोगों के कार्ड जो हैं लाहौर में पंजाब में बंद हैं, ट्रांसफ़र नहीं हो रही, इसी तरह इस्लामाबाद में गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स बंद हैं, आए दिन नए रूल निकल रहे हैं, नए टैक्सेस लग रहे हैं आए दिन, तो उससे भी जो है ना कस्टमर बहुत घबराए हुए हैं। अच्छा मुझे बताएं, गाड़ी नाम करवाते हुए खर्चा कितना होता है? वैसे तो जो इसका लीगल खर्चा है वो तकरीबन 2-3 हज़ार होता है, लेकिन इस तरह का माफिया बैठा हुआ है वो देते करते चेक करवाते एजेंट वगैरह 15-20 हज़ार रुपया लग जाता है।
उस पर, और अगर ये नहीं करेंगे प्रोसेस को करेंगे तो प्रोसेस के तहत बहुत मुश्किल काम है, आपको इतना ज़्यादा जलील किया जाएगा कि आप तंग आकर आखिर किसी को पैसे देने पे मजबूर हो जाएंगे। अभी जो गाड़ी है ना जी वो आपको कराची है तो कराची से इस्लामाबाद लानी पड़ेगी, फिर नाम होगी, पहले नाम हो जाती थी, अभी नाम होना बहुत मुश्किल है, इस वजह से गाड़ियाँ बहुत कम बिक रही हैं, बिल्कुल शोरूम पर काम नहीं है।